हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल पी सी एम बी डिजिटल गुरुकुल बेटा आज हम बात करने वाले हैं नाइन्थ क्लास की वर्कशीट नंबर टू की तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि दो सेक्शंस हैं ए एंड बी सेक्शन ई में एम सी क्यू क्वेश्चन हैं और सेक्शन बी में शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं जैसे कहा गया कि लॉकडाउन फेज ने हम सबको ये सोचने पर मजबूर किया है हैज़ अस टू थिंक ऑफ टू कंटिन्यूस स्टडीज़ के हम क्या क्या अल्टरनेटिवस ले सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस उसमें से एक ऑप्शन निकल कर सामने आया है स्टूडेंट्स कोड नाउ बिन इन टच विद देयर स्कूल्स दे वुड नॉट मिस स्टडीज और इस माध्यम से अगर बच्चे पढ़ते हैं तो अपने स्कूल के टच में रहते हैं उनकी पढ़ाई नहीं छूटती है देर इसी वर्कशीट्स वीडियो लिंक्स ऑडियो फाइल्स एंड इमेज ऑफ द बुक्स एज स्टडी मटीरियल बच्चों को वीडियोज़ मिलती हैं वर्कशीट्स मिलती हैं ऑडियो फाइल्स वगैरह मिलती हैं टीचर और स्टूडेंट वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं स्टूडेंट्स इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द फेलो स्टूडेंट्स एंड डिस्कस और शेयर देयर कंसर्न विद द टीचर थ्रू वीडियो और टेक्स्ट बच्चे आपस में या टीचर के साथ बात कर सकते हैं वीडियोस के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस बूस्ट करती हैं कॉन्फिडेंस ऑफ स्टूडेंट्स उनके मनोबल को बढ़ाती हैं दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल स्पीकिंग शेयर रिटन मैसेज टू कम्युनिकेट जो लोग बोल नहीं पाते हैं बट टीचर से वो लिख कर भी अपनी बात कह सकते हैं और बच्चे अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं दे अटेंड देयर क्लासेस डू द क्लास वर्क एंड लेटर फिनिश देयर होमवर्क वो अपना क्लास करते हैं उसके बाद क्लास वर्क करते हैं और फिर होमवर्क भी कर लेते हैं हर रोज़ उनका एक नॉर्मल रूटीन चलता रहता है ताकि उनकी पढ़ाई मिस ना हो ऑनलाइन क्लासेस ने एक अच्छा ऑप्शन दिया है एजुकेशन सिस्टम के लिए तो ड्यूरिंग लॉकडाउन फेज अल्टरनेटिव फेज टू कंटिन्यू स्कूल स्टडीज इज ऑनलाइन क्लास What do the student receive apart from worksheet to not miss their studies? All of above. What do students share with their teachers? Mask book data concerns. The students can dash at their own pace. Study. Which word is antonym or opposite of boost? To decrease. तो ये तो हो गए बेटा एम से क्यों अब अगले वाले में आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी रहेंगे तो देखिए भाई क्या है उसमें द स्कूल्स हैव रिसेंटली ओपनड फॉर ऑनलाइन क्लासेस आफ्टर समर वेकेशन यू हैव जस्ट बीन प्रमोटेड टू क्लास नाइन्थ कि समर वेकेशन के बाद स्कूल खुल गए हैं तो आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है डिस्क्राइबिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस फॉर दी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास जो कि एक फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है आइए देखते हैं तो बेटा देखो डेयरी एंट्री आपकी कुछ इस प्रकार की हो सकती है कि दो अगस्त की है सात बजे की टुडे वॉज़ माई फर्स्ट डे इन एन ऑनलाइन क्लास और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आई लर्न न्यू थिंग्स मैंने नई नई चीज़ें सीखी आई ऑल्सो न्यू अबाउट अदर टीचर्स स्टूडेंट्स फ्राम अनदर एरिया जो बच्चे दूसरे एरिया से आते हैं मुझे उनके बारे में भी पता चला आई लर्नड अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच आई इन्जॉयड द क्लास मैंने स्पीच के पार्ट्स को सीखा और क्लास को बहुत इन्जॉय किया नेम ऑफ टीचर वॉज़ मिस्टर पानीगढ़ी ही इज़ एन इंग्लिश टीचर ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट ये टीचर का नाम है और वह बहुत ही इंटेलिजेंट है ही ऑल्सो क्रैक जोक्स वो बीच बीच में हंसाते भी हैं बच्चों को आई डिड नॉट फील बोर्ड मुझे बोरिंग नहीं लगा वो पोलाइट वे में बात करते हैं ही ऑल्सो सेड अबाउट हिज चाइल्ड हुड लाइफ उन्होंने भी अपने बचपन की बात हमसे करी आई हैड मीड सम मेरे कुछ दोस्त भी बने हैं स्टूडेंट्स यूज टू लिसन टू द टीचर केयरफुली और स्टूडेंट्स जो थे वो टीचर्स के साथ केयरफुली बात करते हैं बच्चे भी आई थिंक द ऑनलाइन क्लास इज़ बेटर दिन द स्कूल्स इन स्कूल सम चिल्ड्रन यूज टू डिस्टर्ब ईच अदर मुझे लगता है ऑनलाइन क्लास जो है वो स्कूल से बेहतर है स्कूल में बच्चे आपस में एक दूसरे को परेशान करते थे और कुछ बच्चों की वजह से पूरी क्लास में डिस्टर्बेंस रहती थी बट स्कूल लाइफ इज़ यूनिक एंड इट कैन नॉट बी कंपेयर टू द ऑनलाइन क्लासेस स्कूल और ऑनलाइन क्लास का कोई कम्पेरिजन नहीं है इट वॉज सेट बाई अवर सर ही सेट दैट स्कूल्स वी कैन क्लियर अवर डाउट्स वेन एवर वी वॉन्ट बट ऑन the फ़ोन इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज sometimes देर is अ टेक्निकल is issue लाइक नेटवर्क प्रॉब्लम और कुछ लोग फ़ोन भी अफोर्ड नहीं कर सकते सम पोर्स के नॉट अफोर्ड फ़ोन्स तो ये भी एक परेशानी है हमारे साथ और कभी कभी टेक्निकल इशू भी आ जाता है आई मेड ए प्लान कि लॉकडाउन के बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो आई विल हेल्प द पोअर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स प्लीज लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फुल स्टॉप्स कॉमास कैपिटल लेटर्स एक्सक्लेमेशन मार्क्स सेमी कोलोन्स एपस्ट्रॉफी एंड क्वेश्चन मार्क्स आइए देखते हैं तो देखो भाई आप इसमें बच्चों ये ऐसे कुछ चेंजेस कर सकते हैं जैसे येस yes है तो ये तो एक कैपिटल लेटर होना ही चाहिए था तो ये सबसे पहले कैपिटल लेटर हो जाएगा यस yes, ऐसे करके कैपिटल वी वॉन द क्रिकेट मैच तो एक्सक्लेमेशन मार्क और मैच के बाद हो जाएगा फुल स्टॉप सम पीपल में ऐसा हो जाएगा बड़ा यानी कि कैपिटल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग्स और अदर्स डू तो यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया तो सेमी कॉल ऑन बेटर इन द इनिंग्स वाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीकेंड तो ये तो आपने क्वेश्चन मार्क्स पूछ लिया वट एंड अमेजिंग डे ये एक्सक्लेमेशन हो गई मैंगोज तो ये हो गया बड़ा फिर कॉमा ग्रेप्स कोमा ऑरेंजेस एंड रेस्टबेरीज आर माई फेवरेट फ्रूट्स ये पंक्चुएशन हो गई भाई पूरी फिर आपको इस्तेमाल करना है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एन एंड द और जहाँ पर कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड ना हो इनमें से उसको आप लोग कर सकते हैं मार्क एज क्रॉस कि भाई इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए होता तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा ठीक तो देखो भाई क्या होगा इसमें टोटोइज इज अ कॉमन नेम फॉर मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ टर्टल्स लिविंग ऑन एंटायरली ऑन लैंड टोटोइ आर स्लो मूविंग एनिमल्स नॉन फॉर देयर लॉन्गर लाइफ स्पैंस कि वो बहुत सालों तक बहुत दिनों तक जो होते हैं जिंदा रहते हैं कौन इन टोटॉइज बिट

इनर लेयर और तो, टोटो जो होते हैं जिन सेल्स से वो बने होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो क्या होते हैं इनर लेयर के बने होते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब टूअर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस